बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क। हम बहुत सी रेसिपीज़ में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि एगलेस केक, स्वीट्स और शेक्स वगैरह में। इसको घर पे बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मिल्क, और शुगर मैंने लिया है ये भी 1 कप, और पाउडर मिल्क लिया है मैंने इसके लिए 2 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। और बेकिंग सोडा हमें इसके लिए चाहिए होगा 1/4 टीस्पून। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें हम डाल देंगे हमारा मिल्क। साथ ही इसमें ऐड कर दें आप शुगर, और साथ ही इसमें ऐड कर दें पाउडर मिल्क। इसको अच्छे से आप मिक्स करें, और आपने इसको लो टू मीडियम पे जो है वो कुक करना है। अच्छे से चीनी को हमने इसमें जो है वो मिक्स करना है। आप चाहे तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी कुक कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको लो टू मीडियम पे कुक करेंगे तो ये आपका ज़्यादा अच्छा रेडी होगा। पेशेंस के साथ इसको आप कुक करें। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। चीनी मिक्स होने के बाद थोड़ा सा अपना पानी जो है वो रिलीज करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये थिकनेस की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कंडेंस मिल्क हमारा थिकनेस की तरफ आ चुका है। 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें और इसे कुक करने में। देखिए स्टेज पे आके हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा बेकिंग सोडा। इससे अच्छा सा ये देखिए आप कितना फ्लफी सा हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, इस तरह से होनी चाहिए। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको डाल देंगे अब हम एक बाउल में।